गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी रेडी हुई हूँ, मैंने पहनी है ये वाली अपनी कुर्ती प्लाजो वाला सेट जो मम्मी ने मुझे दीपावली पे स्पेशली दिलाया था, बट मैंने दीपावली पे ये पहना नहीं था। सो आज मैं ये पहनी हूँ, कहीं जा रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नंद के यहाँ। जी हाँ, मेरी फ्रेंड है, उसकी नंद, शायद आपने मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में देखा होगा। तो बहुत दिन से मैं उनसे मिलना चाहती थी, तो आज हम लोग जा रहे हैं उनके घर। तो नीतू की नंद है, नीतू भी आ चुकी है, तो मैं जा रही हूँ उसकी नंद, मेरी नंद, एक ही बात आप समझ सकते हैं। तो चलिए निकलती हूँ और फिर आपको मिलवाती हूँ उनसे भी। चलिए चलते हैं। हाय मुक्कू, हाय, हेलो मौसी, बोल रही है, हेलो बोलो मौसी सी, तुम्हारे सारे वीडियो का हाय आरती, हाय, हेलो, थोड़ा सा बना लेना बस, अभी नीतू से तो मिलवा दे। हेलो नीतू, हेलो, कैसी हो? तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ। ये मेरी भी स्कूल की फ्रेंड है, मतलब बचपन की फ्रेंड है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं और फिर उसके बाद निकलूँगी मैं यहाँ से। तो ये मेरी फ्रेंड के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप उनसे भी मिल लीजिए। और चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको मुक्कू को कैमरे के आगे आकर। अच्छा, तो मुनी बनाते ना, गंदा नहीं बनाते। अच्छा, अपना नाम बता दो। उन्नति वर्मा, अरे वाह। और आपकी मम्मा का क्या नाम है? आरती वर्मा। अच्छा, मेरा नाम जानती हो? नहीं, वीडियो बना के मत दे तो, बस मेरा नाम जान कर दिया जाता। क्या नाम है? लोकेशन भी ना दो तो, नहीं बस टाइम से आना, टाइम से बस। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बताओगी? जब पता ही नहीं है, मेरे वीडियो तो देख रहे हो। मेरे चैनल का क्या नाम है? मुझे नहीं पता, देखती दो मेरे वीडियो, देखती है तो बीच में घुस जाती है, मम्मी के संग देख लेती हो। अच्छा है ना, बाय बाय बाय। तो मुंह घुमा लेता है, बाय बाय। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ, जो कि है वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा बॉडी लोशन अल्ट्रा लाइट हाइड्रेशन। जी हाँ, यह आने वाली हैं और बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई हैं सर्दियाँ, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, पैची हो जाती है। और वैसे भी अभी ऐसा मौसम चल रहा है जिसमें हमें बार बार अपने हाथों को हैंड वॉश करना पड़ता है और हमारे हाथ की जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है। मेरा मेन मोटिव होता है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ऐसा बताना जो कि मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मैं यूज करती हूँ और मुझे जब अच्छा लगता है तो मुझे लगता है आपको रिकमेंड करना चाहिए। तो रिव्यू करने वाली हूँ वॉल स्किन साइंस के एलोवेरा बॉडी लोशन अल्ट्रा लाइट हाइड्रेशन के बारे में। ये है वो प्रोडक्ट, तो आपको अच्छा लगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। तो मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में। वो है वॉल स्किन साइंस का एलोवेरा बॉडी लोशन। ये देखिए, ये है अल्ट्रा लाइट हाइड्रेशन, बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। और ये जो वॉल स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन और नो कलर होते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एडेड कलर नहीं होता है। इस प्रोडक्ट की जो नेट वॉल्यूम है वो है 300 ml, ऐसा ये पंप बॉटल में आता है। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के
पंप बॉटल में आता है। ये काफ़ी स्टडी है, अगर आप इसको ट्रैवल में यूज़ करना चाहते हैं तो बस आप इसका पंप बंद कर दीजिए और आप ट्रैवल में इसको आराम से लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अब ठंडियां आने वाली हैं, मतलब आ ही गई हैं। ऑलमोस्ट नवंबर चल रहा है, नवंबर से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैची फ्लेकी सी हो जाती है। तो अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये एलोवेरा का है। इसमें जो मेन जो आपका इन्ग्रीडियंट है वो एलोवेरा है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 399। बट वॉय स्किन साइंस की जो ऐप है आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं, कॉम्बो पैक भी मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑफर्स में आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 2020 से लेकर 2022 तक है, मतलब 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। तो काफी अच्छा शेल्फ लाइफ है। इसके अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर है, स्वीट एलमंड है, कोकोआ बटर है, आर्गन ऑयल है, सोडियम पीसीए है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये देखिए, बस आप एक ही पंप जब इसको करते हैं तो इस तरह से ये आपके स्किन पे, आपके हाथ पे आ जाएगा, और आप इसको आराम से ऐसे ब्लेंड कर दीजिए। और अगर इसके फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह है, एलोवेरा इसमें महक रहा है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा भीनी भीनी सी स्मेल आपको आती रहेगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लेना चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है कि बहुत चिपचिप होगी, देखिए कितने अच्छे से मेरे स्किन पे एकदम से ब्लेंड हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर एक ये बारकोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इस बारकोड से आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं जो फेक होते हैं, मगर इस बारकोड से आप इसकी रियलिटी चेक कर सकते हैं। और वायो स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हिमालयन बॉर्न वाटर से बनते हैं, और इसमें 80% से ज़्यादा लेडीज़ें अपना सहयोग देती हैं। ये मेड इन इंडिया कंपनी है, तो हमें अपनी मेड इन इंडिया कंपनी को ही चूज़ करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के ब्रांड को प्रेफर करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूँगी आप वायो स्किन साइंस के प्रोडक्ट इजीली आराम से खरीद सकते हैं और उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू एलोवेरा बॉडी लोशन के बारे में। ये अल्ट्रा लाइट हाइड्रेशन है, तो काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही अच्छे से स्मूथ होता है, ग्लाइड होता है आपकी स्किन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कैसी हो? नमस्ते कर रही हो क्या? वेलकम। चलो सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं नंद के घर, मतलब अपनी गुड़िया दी के घर। ये मेरी फ्रेंड की नंद है, मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अपने किचन में कुछ काम कर रही हैं। बताओ अरु, बताओ। इंडियन ब्लॉगर बुलबुल चैनल। वाओ, अरु को तो पता है मेरे चैनल का नाम। फेमस भी करती है वो। सबसे बताती हो कि मेरी मामी का चैनल है। अरे वाह, देखती है ना मेरे साथ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का स्वागत किया उन्होंने काजू कतली और बेसन के लड्डू से, और बहुत अच्छा उन्होंने चाउमीन भी बनाया था। देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आप बनाने जा रही हैं क्या? चाउमीन। हमारी प्यारी, सबकी फेवरेट चाउमीन है ना नीता? तो
यहाँ हम लोग खूब बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वाकई कल बहुत अच्छा लगा गुड़िया दी के घर जा कर के। ये उनकी देवरानी है, वही मैं आप लोगों को मिलवा रही थी बट आवाज़ साफ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने आवाज़ को बंद कर दिया है। चाउमीन हम सबके खाने के लिए और आपको लंच वाने के लिए। आप लोग यहीं से खाइए और अपने घर में ट्राई करिए। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं गुड़िया दी की चाउमीन की रेसिपी। आ जाइए। तो बहुत टेस्टी चाउमीन बनी थी। सबसे पहले इन्होंने बहुत सारी वेजीज जो हैं वो काट करके रखा था और ये नूडल्स भी फ्राई करके रखे थे और यहाँ पे चाउमीन बनना स्टार्ट हो गई है। तो नीतू भी आ गई है गुड़िया दी की हेल्प करने के लिए और हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं और साथ में इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और अगर ये व्लॉग गुड़िया दी देख रही हैं तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी चाउमीन बनाई। एक्चुअली नीतू ने बनाई थी, साथ में हेल्प कर दी थी गुड़िया दी की, बट काफ़ी टेस्टी और यम्मी थी। तो अच्छा लगा खा करके, गर्मा गर्म चाउमीन खाने को बैठे बिठाए मिलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और वाकई अच्छा बना था। तो हम लोग यहाँ पर मस्ती करते जा रहे हैं और अभी व्लॉग के एंड तक बने रहिए, आपको डांस मस्ती सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ हम लोग यही बात कर रहे थे कि बनाना स्टार्ट तो किया था गुड़िया दी ने बट फिर नीतू ने हैंडओवर ले लिया था। तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे सब्जियों को पहले फ्राई कर रही है, स्टफ़ फ्राई कर रही है और ये देखिए। और फिर उसके बाद मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, हम लोग बैठ गए थे गप्पे मारने के लिए और फिर बातें करने लगे तो बस जस्ट मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। बैठे हम लोग, हम लोग को बोला गया है आप बैठिए। और बताइए, हमारा पेड़ देखिए आप। ये देखिए हमारा पेड़ है पर ये आर्टिफिशियल है। भाभी बताओ हमारा पेड़ नाम बताओ, उसका क्या नाम है? करवी है, करवी का पेड़ है ये। गरी करवी वो नारी। इधर यहाँ पे जो इनकी सैंडविच नहीं है, चाउमीन जो है वो बन चुकी है। तब तक चलिए मैं आपको थोड़ा सा हाउस टूर करा देते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है जिसमें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे हैं। बहुत अच्छा बनाया है ना अरु? और फिर इधर आगे बढ़ते हैं तो आगे इनका बेडरूम है, चलिए झांक लेते हैं थोड़ा सा बेडरूम में भी। यहाँ पे लगी हैं लाइट्स, अगर इसको जला के दिखाओ अरु। वाव बहुत सुंदर। और इधर है बेड, एसी भी लगा है। अच्छा अच्छा, और इधर लगी है एसी अरु की। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने पे यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा जहाँ हम आपको कुछ दिखाएंगे नहीं। और इधर है गुड़िया दीदी और नीतू। Thank you.
तो यहाँ देखिए हम लोग अपनी चाउमीन को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी हम लोगों ने बातें करी और यहाँ मज़े करे। और आप लोग चाउमीन देख करके मुंह में पानी आया कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमारी चाउमीन जो है वो ख़त्म हो गई थी और फिर उसके बाद गर्मा गर्म चाय आ गई थी, तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बोला था ना कि अभी व्लॉग बाकी है, तो यहाँ हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, साथ में डांस किया, मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मेरी सिस्टर इन लॉ का घर और हम सब का डांस? Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया और बहुत सारी मस्ती भी कर ली है। इधर अरु खड़ी है, अरु हाय हाय हाय। और तो अभी हम लोगों का मेरा जाने का टाइम हो गया है और अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ थोड़ी ही देर में। अरे एक मिनट, ऊपर आइए गुड़िया जी। तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर, अरु के घर को छोड़ के, है ना अरु? जरूर जरूर। ये देखो अगली वाला कमरा है, ये चलो उधर देख ले। दीदा जी को यहाँ शिफ्ट कर रखा है क्या? बाहर निकल के लूंगी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, अभी 5:15 या 5:20 का टाइम था और एकदम अंधेरा हो चुका था। देखिए रोड में कितनी रौनक सजी हुई है। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। व्लॉग लाइक कर दीजिएगा।